मनुष्य ने या सुपरस्टार ने जो एक्टिंग की है, आई एम नॉट सीइंग एज अ स्प्रिंट. आई थिंक ऑल अवार्ड्स विल स्टार्ट एंड एंड दिस ईयर एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क इज ब्यूटीफुल दैट वी आर रियली अमेज्ड. यू नो कि दिस इज सुपर. बाय फैमिली. बाय थैंक यू डीसी टेक्स. हो जा खड़ा हो. फैमिली ऑफ द फैमिली बोल रहे फॉर सपोर्टिंग अस. दिस इज कार्ड. हां देखते तो दुकान है. मलेशिया, इंडोनेशिया, लंदन, सब जगह पता चल गया है कि ऋतिक रोशन बिसाइड्स एक्टिंग होम फर्निशिंग भी कर सकता है, घर भी बना सकता है, दिल भी लोगों का जोड़ सकता है. एंड अगर कोई रियल स्टार है जो दिल से काम करता है, दिल से, दैट इज वन एंड ओनली ऋतिक रोशन. वन एंड ओनली ऋतिक रोशन. एंड ह्यूमिलिटी, नम्रता. नम्रता ही सफलता की कुंजी है. हमें स्कूल में सिखाया गया था परिश्रम एंड नम्रता. बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल. एंड माय पेरेंट्स, माय फादर राकेश जी, माय एल्डर ब्रदर, माय वाइफ, माय मदर हु इज हियर, शी इज द चेयरमैन. इनके आशीर्वाद से हम लोग छोटे थे तभी साथ में. वी हैव लर्न टुगेदर. आज एवरीथिंग थैंक्स टू पेरेंट्स. यार मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच निमिश फॉर योर वर्ड्स. अच्छा लगता है व्हेन टू फ्रेंड्स कैन जॉइन टुगेदर, टू फैमिलीज कैन कम टुगेदर एंड डू गुड वर्क द वे निमिश डीसी टेक्स हैज सपोर्टेड अस, हैज गॉन बियॉन्ड जस्ट यू नो जस्ट अनदर a thing. It's more to do with the heart. He said such amazing words for me and my family. I'm thankful. We have grown to be the people we are because of the blessings of our parents. So thank you parents for making me and us who we are. Abhi actually abhi kabhi ka part pe kamyab. Oh, kamyab. K for kamyab. आखिर सर क्या कहना चाहेंगे? हर तरफ से बधाई आ रही है और हर तरफ से नहीं, बहुत लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और हमें फिर अपने सर आंखों में बिठा रहे हैं. इसके लिए हमें बहुत खुशी की बात है. जब भी हमारी दोनों के बीच के साथ में आती हैं वो इसी तरह हमें प्यार देते हैं और हमें हिम्मत देते हैं कि हम और भी अच्छी पिक्चर बनाएं. अब इसलिए हम उनकी हिम्मत से, उनके प्यार को देख कर हम आगे बढ़ते हैं और नई नई किस्म की पिक्चरें बनाते हैं. आपके फैंस यार, मैं आज तक आई थिंक आई डोंट नो व्हाई जब भी इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है, सब जगह से इतना प्यार मिला है, तो मुझ में अभी भी आई थिंक आई डोंट हैव द टैलेंट हाउ टू गिव बैक. क्योंकि मेरे दिल में इतना इतनी चाहत है कि आई वांट टू गिव देम ऑल सच अ बिग हग. क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मेरी पूरी लाइफ में ऐसे रिव्यूज, इट इज़ द बेस्ट रिव्यूड फिल्म ऑफ माई करियर. और आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट. आई डोंट रियली नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट. आई मुझे लग रहा था कि ये फिल्म अच्छी है और रिव्यूज भी अच्छी होंगी. आई वॉज होपिंग बट आई डिड नॉट नो दैट आई वुड गेट सो मच, दैट वी वुड गेट सो मच द एंटायर टीम. सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और पूरे कंट्री से, छोटे छोटे शहरों से जो मुझे ट्वीट्स फैंस जो भेज रहे हैं, जो आप सेलिब्रेटिंग या पार्टी, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आई माइट हैव नॉट इवन गॉन देयर अप टू नाउ, लेकिन इतना प्यार देख के आई प्रॉमिस कि शहर में अगली बार मैं हर शहर में मैं जाऊंगा टू मीट दोज फैंस, गिव देम अ बिग हग एंड से थैंक यू. ये जो इनकरेजमेंट है इसी को लेके आई मूव फॉरवर्ड. और the way I will give back this love, mere khayal se ek hi rasta hai, to put in more hard work into my work. Aur mujhe lagta hai ki wo screen ke zariye jo mera jo pyar hai unke liye, that will come again through one more time in my next one. Thank you. Kya kehna chahta hu main kya kehta hu ki agar raaste khoobsurat ho to manzil ki talash karni chahiye, kis taraf jaye aur manzil khoobsurat ho
तो रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ऊपर खुपर रास्ते में भी आदमी पहुंच जाता है, और यहाँ तो रास्ते भी खूबसूरत है, मंजिल भी खूबसूरत है। गॉड ब्लेस यू। नहीं, बहुत खुशी की बात है। जहाँ तक बॉक्स ऑफिस का सवाल है, अभी मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला आज मैं किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करूँ कि पीछे कैसी जा रही है, लेकिन मैं बात करूँगा उनसे मंडे को। मैं मंडे तक इंतजार करूँगा, उसके बाद उनसे बात करूँगा। ये 25 जनवरी कितनी खास हो गई 2017 को? जी हाँ, बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने ये पिक्चर बनाई है, बहुत पैशन से बनाई है और बहुत सिंसेरिटी से बनाई है, और लोगों ने जितना प्यार दिया है हमें, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।